इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकेंड टेस्ट मैच दूसरा दिन, और दूसरे दिन ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैच खत्म हो गया। 7 विकेटों से इंडिया ने मैच जीता है। यहाँ पर 55 रनों पर पहली इनिंग में हम देख सकते हैं साउथ अफ्रीका ने 4 आउट किए, उसके जवाब में इंडिया ने 163 रन पर बनाए थे। इंडिया को 98 रन का यहाँ पर लीड मिली थी इंडिया को। उसके बाद में देख सकते हैं कि माक्रम ने यहाँ पर सेंचुरी लगाई और इंडिया को देख सकते हैं काफ़ी छोटा टारगेट यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि ऑलरेडी 98 रन की लीड थी। 79 रन यहाँ पर बनाने थे वैसे बुमराह ने हम देख सकते हैं 6 विकेट यहाँ पर लिए। तो 6 इनिंग में हम देखते हैं कि मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए, बाद में बुमराह ने 6 विकेट लिए। तो इस तरीके से उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, उनकी साइड से अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला उनकी साइड से। और पिछले मैच में काफ़ी खराब परफॉर्मेंस था, तो बहुत सारी खतरा उनको देखने को मिली है यहाँ पर। और 2 दिन में कैसे खत्म होने का अच्छे खिलान दिया जिसका हो रहा है। रोहित शर्मा का पोस्ट में बयान दिया है कि इंडिया में जो सीरीज है पिछले 3 दिनों में खत्म हो गया, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बट यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 दिन में मैच खत्म हो गया, तो मतलब उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, बट अगर जब हमारे देश में भी मैचेज अगर जल्दी खत्म होते तो उसमें किसी को कंप्लेन नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें थी इस मैच को लेकर के। और 107 ओवर यहाँ पर डले पूरे मैच में, देख सकते हैं जितने यहाँ पर विकेट गए हैं, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 33 विकेट यहाँ पर देखने को मिले हैं। और 107 ओवर ही यहाँ पर टीमों को देखने को मिले हैं इस मैच के अंदर। और जो बेस्ट फिगर आपको देखने को मिला कि बुमराह ने यहाँ पर मैंने 6 विकेट लिए, 6 रन देखे थे। और मोहम्मद सिराज ने पहली इनिंग में 15 रन देखे थे, 6 विकेट लिए यहाँ पर। तो हमारे फास्ट बॉलिंग यूनिट का काफ़ी परफॉर्मेंस देखने को मिला हमें। और इस सीरीज में जो भी सीरीज हो रहा है, जब देख सकते हैं कि सीरीज यहाँ पर 1-1 के बराबर हुई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बोला जा रहा है। लेकिन फर्स्ट सीरीज अगर ये बोला जाए कि मतलब कि 2 मैच की सीरीज नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा मैच की सीरीज होनी चाहिए, ताकि रिजल्ट भी आ सके और कहीं ना कहीं अच्छा कंपटीशन देखने को मिले। और ये बात सही है कि अगर ज़्यादा फैसले होंगे तो एक्साइटमेंट बढ़ा रहेगा यहाँ पर। और अगर आप देखें तो कैप्टन ने इंडिया की पहली मतलब की जीत हुई है यहाँ पर टेस्ट मैच के इसका देखें तो कॉन्टेक्ट में, और पहली एशियन टीम बनी है जिसमें मतलब कैप्टन ने मैच जीता है यहाँ पर। तो रोहित शर्मा ने अपनी इंडिया की तरफ से पहले कप्तानी बने हैं यहाँ पर। और अब ये देखना होगा कि अब अगले साल अगर आने वाला है हमारे यहाँ पर, और T20 वर्ल्ड कप से पहले ये मतलब कि एक इंटरनेशनल दौरा जो अगर आप बोलेंगे तो T20 का जो यही दौरा है। अब तो इसमें क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट होते नहीं होते, हार्दिक पांड्या के विजय कंसर्न है, क्या वो कप्तान बनने के वापस जाएंगे, टीम क्या रहेगी, क्या यंग जनरेशन के जो फिजिकल प्लेयर्स हैं उनको लेकर यहाँ पर जाएगी टीम, या फिर देखना होगा भी कि रोहित शर्मा कप्तान बने रहते हैं यहाँ पर। तो कुछ सवाल थे, कुछ सवाल हैं अभी यहाँ पर, कुछ सारे क्वेश्चन हैं अभी कि अभी टीम इंडिया का बैलेंस है, क्या देख सकते हैं मेरे लिए कम हुआ यहाँ पर। और KL राहुल कप्तान भी हमने जो T20 और मतलब ODI भी हमने उनकी कप्तान में खेला यहाँ पर, ODI हम जीते भी थे यहाँ पर। और अभी वो जैसे भी है अच्छा एक तरीके से ये था कि हम यहाँ पर बराबर कर रहे हैं उसको फाइनल राउंड। और रोहित शर्मा दूसरे से कप्तान है जिन्होंने मतलब कि T20 है उसको यहाँ पर ड्रॉ करने में फाइनल राउंड है। और उन्होंने रन भी बनाए थे, जैसे पहली इनिंग में उन्होंने रन बनाए हैं, हालांकि वो उस तरीके का परफॉर्मेंस अब आगे देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि आज टोटल स्कोर भी कम था, बट आप देखेंगे इतने कठिन पिच पर भी जो महत्व में बैटिंग करी मतलब 6 रन उन्होंने यहाँ पर लगाए, तो वो काफ़ी एक्सेप्शन बैटिंग उनके द्वारा की गई थी, उनके अच्छी बैटिंग उनके द्वारा की गई है। काफ़ी टीम कॉलिंग में मतलब कि काफ़ी उन्हें हॉकी सीजन मिला यहाँ पर। और आज आज के लिए भी रन बनाए बनाए उनके द्वारा, बट इतना बड़ा टारगेट था नहीं, बट वही है कि मतलब अभी जब हमारे जब 6 विकेट दिए थे 0 रन पर, अगर आप देखें तो बाद में 6 विकेट हमारे हो गए थे, तो एक डर ये भी था कि हमारी टीम कौन सा रन बना पाएगी नहीं बना पाएगी। और राजेश जायसवाल ने अच्छी बैटिंग करी, अच्छी बैटिंग उनके द्वारा की गई, और श्रेयस अय्यर के ऊपर और अमन गिल के ऊपर अभी भी क्वेश्चन है कि क्या उनके पोटेंशियल को कप्तान दे पा रहे हैं नहीं पा रहे। आगे देखते हैं हम क्या होता है आपसे इंग्लिश के अंदर क्या कमेंट करना चाहिए।